अच्छा, आपको पता है रियल स्टेट के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप जिस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी के अंदर आप अपना लार्ज कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्मॉल इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ की कैपिटलाइजेशन के बारे में आपको स्टडी करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप मोस्टली इंस्टॉलमेंट के प्रोडक्ट को बाई करते हैं। जब आप इंस्टॉलमेंट के प्रोडक्ट को बाई करते हैं तो आप फ्यूचर की प्रोडिक्शन के बाकी पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और फ्यूचर की प्रोडिक्शन इस सेंस में आपको करनी चाहिए, कैपिटलाइजेशन इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आपको करंट प्राइजेस को फ्यूचर की प्राइजेस के साथ कंपेयर करना चाहिए, और आपके प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको आपने फ्यूचर की प्लानिंग के साथ डिस्कस करना है, उसके फ्यूचर के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना है ताकि आप आज की जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपकी फ्यूचर के हवाले से सिक्योर हो और सेफ हो, और जिससे आपको मैक्सिमम एप्रिसिएशन मिले। हम वर्ल्ड रियल स्टेट में एप्रिसिएशन का यूज़ करते हैं, लेकिन एप्रिसिएशन के अंदर हम कभी भी उस प्रोडक्ट की या उस प्रॉपर्टी की या उस इन्वेस्टमेंट की कैपिटलाइजेशन एक्यूरेट नहीं करते। जब तक हम उसको एक्यूरेट नहीं करते तो हमें वहाँ से किसी भी किस्म की कोई एप्रिसिएशन नहीं आती। तो मेन चीज़ ये होती है कि गुड थिंग्स टेक टाइम। आप जितना अच्छा यहाँ पे अच्छे तरीके से कैपिटलाइज करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, उतना ज़्यादा आपको इससे रियल स्टेट से बेनिफिट मिलेगा और उतनी ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिलेगी।